तो की हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन। और भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दे रहा हूं आप लोग को इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि भाई आज बहुत सारे स्टोरीज है कवर करने को। अगर ये वाला वीडियो आप मिस कर दिए तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। सो यार लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टोरी। आज का फर्स्ट स्टोरी है रागा और डिवाइन के बारे में। तो आप में से काफी जन जानते होंगे दोनों को। रागा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है जो आर्टिस्तान में, एंड आज उनका एक गाना रिलीज किया गया था आर्टिस्तान में जिसका नाम था शिकायत। इस गाना का एक पार्ट है जिसमें लग रहा है कि इनडायरेक्टली वो डिवाइन को डिस कर रहे हैं। आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा था एग्जैक्टली। तेरा टाइम आएगा पर बेटा अभी नहीं है, अभी जिसका टाइम इस माइक पे बेटा वही है, कर रहा हूँ ग्राइंड बेटा बचपन से मैं सीन में। अब ये चीज मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ कि ये डिवाइन के तरफ ही डायरेक्टेड था, बट ऐसा होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना 4 दिन पहले अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, अड़ोसी फैमिली वर्सेस पड़ोसी फैमिली अमित भड़ाना। इस वीडियो में ऑलरेडी 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं एंड इट इज करेंटली नंबर 1 ऑन ट्रेंडिंग। इस वीडियो के बीच में एक फाइटिंग सीन है जिसके बारे में वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में। आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। इस वीडियो के दौरान मुझे चोट भी बहुत लगी थी, सचिन को भी चोट लगी थी मेरे साथ, जो सचिन था फाइटिंग सीक्वेंस में, तो उसमें हमें चोट लग गई थी, घुटने वुटने पाँव फट गए थे। तो मेहनत काफ़ी थी, काफ़ी दिनों से इसको शूट, वीडियो आपको देख के पता लग गई होगी लेट क्यों थी, इसीलिए लेट थी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो रिसेंटली आशीष चंचलानी अनाउंस किए अपने सेकंड चैनल के बारे में, एंड उस सेकंड चैनल में वो एक कोलैब वीडियो अपलोड किए बादशाह एंड सोनाक्षी सिन्हा के साथ रिगार्डिंग द न्यू मूवी। सो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उनका नया वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, आप खुद सुन सकते हैं उनसे ही। हेलो हेलो डर्टी फेलो, सारे के सारे तुम डर्टी फेलो हो। खैर नई वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, बस आ ही गई ऐसे समझो तुम, तो तब तक हमारा इंतजार करना, इंतजार करना हमारा। एंड ऑल्सो दूसरी तरफ राउंड टू हेल भी अपना नया वीडियो अनाउंस कर चुके हैं। वो इंस्टाग्राम में एक छोटा सा क्लिप अपलोड किया एंड उसके नीचे उन्होंने लिखा कमिंग सून। सो या उनका नया वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एमिवे बंटाई के बारे में। तो एमिवे बंटाई एक सॉन्ग अनाउंस किए डैक्स के साथ। तो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल कोलैब होगा बिटवीन हिम एंड डैक्स, एंड इस सॉन्ग का नाम है आई बीन दैट। उन्होंने रिलीज डेट भी बता दिया है, द रिलीज डेट इज 9th August। इस कोलैब के बारे में बात करते हुए एमिवे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये अपलोड किए थे, आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया प्राउडली, इंडियन हिप हॉप गोइंग इंटरनेशनल, जय हिंद। सो या लेट्स सी ये गाना कैसा होता है। तो चलिए अब कुछ गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मॉर्टल के बारे में। तो रिसेंटली मॉर्टल अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे विद ऑल द गेमर्स जो अभी ताइवान गए हुए हैं। सो उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। नंबर 5 एंट्री, गेस 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 गेस, क्या गरीबो, बहुत हार्ड, ओए, और ए रुको रुको, अभी तो खतरनाक एंट्री है। नंबर 1 2 3 4 5 6, नंबर 6 एंट्री, हाई ये द प्रोएस्ट ऑफ प्रो, ओ माय गॉड, कौन आइलैंड के की, कौन आइलैंड, ओए आए राम से मत बुलाना, इधर आओ नेक्स्ट, और सबसे खतरनाक एंट्री जो हाईएस्ट कैंडिडेट है, सबको पता है भाई। इस वीडियो के टाइटल के एंड में उन्होंने पूछा है मोर सच वीडियोस, तो हो सकता है वो व्लॉग्स भी अपलोड करे अपने चैनल में, लेट्स सी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फोर्टनाइट सीजन 10 के बारे में। तो जी हाँ, फोर्टनाइट में सीजन 10 लॉन्च हो चुका है। काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप एक फोर्टनाइट व्यूअर है या प्लेयर है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फोर्टनाइट सीजन 10 के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं द रॉनी के बारे में। तो रॉनी को प्ले स्टोर में फीचर किया गया था। अगर आप प्ले स्टोर खोलेंगे तो आपको ये चीज दिखेगा, टॉप एक्शन गेम्स बाय रॉनी, मस्ट हैव गेम्स फॉर एक्शन फैंस। सो यह बहुत सही चीज है, ये कांग्रेचुलेशंस टू हिम। तो चलिए कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुफू द राइडर व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, देन गॉड निक्सन गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 500K सब्सक्राइबर्स, देन मैट स्टफ विद रॉब ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली इलेक्ट्रिक गुरु को मिल चुका है अपना सिल्वर प्ले बटन। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो भाई आज काफी सारे इंटरनेशनल स्टोरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं निंजा के बारे में। तो निंजा अनाउंस कर दिए कि वो ट्विच में लाइव स्ट्रीम करना हमेशा के लिए छोड़ दे रहे हैं, एंड एक नया प्लेटफॉर्म में वो स्ट्रीम करेंगे हमसे जिसका नाम है मिक्सर। मिक्सर इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड जो ट्विच प्लेटफॉर्म था वो अमेज़न का है। आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा था इस चीज के रिगार्डिंग। Yo, what's going on everyone? So I have
been holding on to this for quite some time, and I'm just super excited to finally let everyone know. Obviously, I'll be streaming on Mixer full time now, and I'm honestly at a loss for words. I'm freaking out in the best of ways, and I'm really just excited to finally. I just feel like I'm gonna get back to, you know, back to the streaming roots, and that's what it's all about. So I love you guys. Obviously, streams are just gonna be the exact same. So I'm looking forward to seeing you guys on the platform. All right, peace. एंड जब से निंजा ये अनाउंस किए कि वो मिक्सर में अब फुल टाइम स्ट्रीम करेंगे, मिक्सर ऐप स्टोर में ट्रेंड कर रहा था नंबर वन में, एंड रूमर्स हैं कि मिक्सर ने उनको $100 मिलियन दिए उनके प्लेटफॉर्म में आके फुल टाइम स्ट्रीम करने के लिए। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि ये खाली रूमर्स हैं, दिस इज नॉट एट ऑल सर्टिफाइड डेटा। ट्विच फाउंडर भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किए थे एंड उन्होंने ट्विटर में ट्वीट किया RIP। अब इस चीज को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये आपके ऊपर है, अपना ओपिनियंस मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं द किंग ऑफ रैंडम के बारे में। इस चैनल में ग्रैंड थॉमसन काम करते थे एंड रिसेंटली ग्रैंड थॉमसन के रिगार्डिंग एक बहुत ही सैड न्यूज आया। ही पास्ड अवे इन अ पैरामोटरिंग एक्सीडेंट एंड उनके रिगार्डिंग द किंग ऑफ रैंडम दो वीडियोस भी अपलोड किए अपने चैनल में। आई एम श्योर उनके फैंस उनको बहुत मिस करेंगे। रेस्ट इन पीस टू ग्रैंड थॉमसन। तो चलिए अब हम लोग आज के फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं टीफू एंड फेज के बारे में। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा टीफू फेज को सू किए थे फॉर अ वेरी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ये ड्रामा काफी दिनों तक चला था। रिसेंटली एक आर्टिकल पोस्ट किया गया कि अब फेस क्लैन टीफू को सू कर रहे हैं। जी हाँ, आर्टिकल में लिखा हुआ था फेस क्लैन सूज टीफू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू बिट्रेड अस। तो लेट्स सी ये लॉसूट में आगे क्या होता है। मैं आपको जरूर अपडेटेड रखूंगा इस सिचुएशन के बारे में। तो चल दोस्तों, आज का वीडियो के लिए बस इतना ही। आज काफी लंबा वीडियो था, लंबा नहीं, काफी सारा कॉन्टेंट था, काफी सारे स्टोरीज थे। सो इस बात में एक लाइक तो बनता है। आज का लाइक हम थोड़ा ज्यादा रखते हैं, 31,500 लाइक्स भाई कंप्लीट कर देना। एंड अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूँ पूरे YouTube कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।